14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है। इस दौरान हर हर बम बम और ओम नमः शिवाय के मंत्रों से शिवालय गूंजने शुरू हो चुके हैं। पश्चिम उत्तर भारत के सबसे बड़े तीर्थ माने जाने वाले पूरा महादेव मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी देखने को मिली। यहां पर कावड़ यात्रा का भी आज से शुभारंभ हो गया, जिसकी तैयारियां मंदिर परिसर में काफी तेज हो चली हैं। 2 साल बाद फिर से मंदिर में कावड़िये जलाभिषेक करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, हम हर साल ही ट्राई करते हैं कि हर साल ही आए, और प्राचीन मंदिर है बहुत ही, और इसकी मान्यता है कि यहाँ पे परशुराम भगवान ने अपनी माता के वध के बाद यहाँ पे वर्षों तक वो की है, तपस्या की है, तो उस वजह से कुछ हमारा पैतृक मंदिर भी है, तो यहाँ पे हम हर साल ही पूजा अर्चना के लिए आते हैं। श्रावण में विशेष महत्व दिया जाता है। 2 साल से जैसे मंदिर में नहीं आ पा रहे थे, इस बार आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मंदिर में चहल पहल नजर आई है, और जो बंद थे द्वार और कपाट वो खुले हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनों के लिए। माना जा रहा है कि इस बार कांवड़ियों की तादाद हर बार से कई गुना ज्यादा होगी। सावन के पावन माह का आज पहला दिन है, इसलिए भक्तों में आस्था के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान परशुराम मंदिर में हर साल श्रावण माह में लाखों की तादाद में देश विदेश से शिव भक्त यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर शिव के पास आते हैं और भोले शंकर के पास अपनी कृपा से सारे कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। 1 साल 6 महीना 19 दिन की यात्रा करके जम्मू पहुंचे। जम्मू में पीछे सुखाल घा की शिव कंगेशक महागेवा का है, जो वहां पे रहते हुए मैंने 10 वर्ष गंगा किया। 10 वर्ष में भक्ति माँ की मुझे असीम अनुकंपाएं प्राप्त हुई, और यहां तक कि जो मैं शिक्षा में रहकर ना सीख पाता, आज मुझे माँ ने एक कवि का रूप बना दिया है। मैं स्वयं से स्वरचित कविताएं रचता हूँ। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। मंदिर के इतिहास के विषय में आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा की गई थी, इसलिए इस मंदिर को परशुराम ईश्वर धाम भी कहा जाता है। ये एक सिद्धपीठ है, और मान्यता है कि अपनी माता का वध करने से मिले श्राप से बचने के लिए भगवान परशुराम ने यहाँ पर हरिद्वार से लाकर जल चढ़ाया था। देखिए, आपने कहा 2 साल कोरोना काल के विषय में हमारे जो मंदिर है, गंगा जल यात्रा मतलब बैन रही, तो महाबीमारी थी, तो उसको देखते हुए अब आपने सवाल किया कि श्रावण मास में क्या तैयारी है। मैं ये कह रहा हूँ, शासन प्रशासन माननीय योगी जी ने, अब आपने पेपर में पढ़ा होगा कि उन्होंने पग पग पर कांवड़ियों की यात्रा के लिए व्यवस्था की है, तो प्रत्येक भारतवर्ष का जो शिव भक्त है वो शिव में हो चुका है, और हमारे जो उत्तर प्रदेश कह लीजिए आप, इतनी अच्छी व्यवस्था जो हरिद्वार हर की पैड़ी से लेकर के पुरा महादेव मंदिर पुरा महादेव तक जो व्यवस्था जो माननीय योगी जी ने जो किया है अब की बार, तो कांवड़ियों का शिव भक्तों का जो मैं कहता हूँ जो पहले की अपेक्षा 4 गुना कांवड़ आने का अनुमान मुझे प्रभाव हो रहा है। माना जाता है कि तभी से कांवड़ की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। इस मंदिर के शिवलिंग की खास बात ये है कि ये शिवलिंग अपना रंग रूप बदलता है, इसका प्रमाण साक्षात रूप में मौजूद है। अगर किसी को ये चमत्कार देखना भी है तो वो उसके फोटो ले सकता है, और उसके बाद जब रंग बदल ले तो उससे मिलान करके उसका प्रमाण भी भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप में देते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक शिवलिंग है। श्रावण के महीने का पहला दिन और बागपत की सिद्ध पीठ पुरेश्वर महादेव में भक्तों की लंबी लंबी लाइन भगवान आशुतोष को जलार्पण और पिल्लव पत्र अर्पण करके श्रावण मास के पहले दिन पुण्य कमाने की लालसा यहां शिव भक्तों को खींच के लाती है। दरअसल आपको बता दें, पुरेश्वर महादेव का खासा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने मातृहंता रेणुका के श्राप से मुक्ति के लिए हरिद्वार से
और पूरे महादेव तक एक यात्रा की थी, जिसको कालांतर में कांवड़ यात्रा कहा गया। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान और हिंदू धर्म को मानने वाले अलग देशों में कांवड़ यात्रा का प्रचलन पुरेश्वर महादेव से शुरू हुआ। कहा जा सकता है कि पुरेश्वर महादेव कांवड़ यात्रा, पहली कांवड़ यात्रा हरिद्वार से चलकर पुरेश्वर महादेव आई थी, जिसका जलाभिषेक भगवान परशुराम ने यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग पर किया था और मात्र हंता के अपने श्राप से मुक्ति पाने की शिव से प्रार्थना की थी। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि पुरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कालांतर में लंढोरा रियासत के महाराज द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। उसके बाद से लगातार यहाँ श्रावण के मेले में कांवड़ लाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना काल के चलते यहाँ दो साल से कांवड़ नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार प्रशासन का मानना है कि 8 से 10 लाख कांवड़िया भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करेंगे और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर दी गई हैं और सुरक्षा प्रबंध भी जो है चाक चौबंद हैं। फिलहाल जो है श्रावण मास के पहले दिन आज यहां भक्तों का आना बदस्तूर जारी है। और इस शिवलिंग की एक खासियत और बताई जाती है कि श्रावण मास में यह प्राकृतिक शिवलिंग अपने रंग और स्वरूप भी बदलता है। पंजाब के सीटीवी के लिए विवेक कौशिक, बागपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।